हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज जा रहे हैं हम शादी में, क्योंकि आज रजनी की पुफी है ना, इसकी पुफी के लड़के को शादी है और हमारा प्रोग्राम बन गया लेट क्योंकि लगी थी थोड़ी थोड़ी बारिश। तो अब निकले हैं, तब तो जब घर से निकले थे तब थोड़ी थोड़ी बारिश लगी थी, अब तो हम घर से निकल गए हैं अब तो। और हमारे पीछे बैठे हैं, ये हमारी हर्षु है। हर्षु बाय करो बेटा गाइस को। दानिश भैया भी बैठा है मास्क लगा के और अपनी शक्ल खराब कर दी है। तो गाइस, आप जाते हैं हम शादी में और दिखाते हैं आपको वहाँ का शादी कैसा होता है। अभी पहुँच गए हम, भाला क्रॉस कर दिए है और काफी अंधेरा हो गया है। दस में हमारा प्रोग्राम लेट बन गया, घर में कोई बैठने वाला नहीं था। उधर से वो फोन कर रहे थे कब आना है, दीदी इसको बोल रहे थे। तो मैंने बोला यार ये जाएगी तो किस में जाएगी। अब हम भी मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि हमें आना सुबह जल्दी, घर में कोई नहीं है। तो अब जाते हैं हम इधर से आगे, अंधेरा हो गया काफ़ी, टाइम लगेगा भी। रोड है सिंगल, रोड है सिंगल और सवारियाँ हैं चार, हम दो हमारे दो। तो अब जाते हैं आगे। तो गाइज अभी पहुँच गए हम शेरी परानू से ऊपर और इधर का रोड देखो कितना ही सिंगल है, बस अब रिस्की रोड है, बस थोड़ा ही है हम पहुंच जाएंगे। और आगे से गाड़ी आई है, अब साइड देने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलो अब जैसे अब उधर पहुंचते हैं तो अब उधर से आगे ब्लॉक शुरू करते हैं। तो फाइनली हम घर के पास पहुंच गए हैं और यहाँ इतने टॉप पर हैं कि यहाँ से हमें डोडा सिटी का काफ़ी अच्छा व्यू दिखा और हमने सोचा कि चलो इसको भी थोड़ा शूट कर लेते हैं। तो गाइज फाइनली हम पहुंच गए हैं अब घर के सामने। यहाँ पर हम गाड़ी को साइड पर रखेंगे और इधर से हम थोड़ा पैदल जाएंगे क्योंकि इधर से 2 मिनट लगते हैं, तो वहाँ जाएंगे पैदल। और ये रही हर्षु, ये अभी तक सोई थी और अभी उठ गई है। हर्षु कितना मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और साथ में बैठा दानिश, मजा तो आ रहा है। हाँ और ये रही साथ में रजनी, इसको लगी ठंड हो रही है, बोल रही है मैंने यार जैकेट लगाई होती तो अच्छा रहता। तो मेरे को नहीं लगी। अब लगाते हैं गाड़ी साइड में और जाते हैं शादी वाले घर में। रजनी और हर्षु खा रहे हैं खाना, इनको आते ही भूख लगी है। और यहाँ पर बना है मटन चावल वगैरह। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, सारे नाच रहे हैं और रजनी बैठी मेरे साथ। तो गाइस अभी चल रहा है यहाँ पर नाच गाने का प्रोग्राम। तो मेहंदी का ये 9 बजे बोल रहे थे पर अभी तक कोई आसार नहीं लग रहे कि 9 बजे मेहंदी होगी। अभी कर रहे हैं वेट क्योंकि अभी तो मसा दूल्हे को इन्होंने बुला के लाया है ज़बरदस्ती। अब उसके पैर वगैरह भाभियाँ धोएंगी, उसके बाद होगी मेहंदी, तब तक मैं करूँगा रेस्ट। जब जैसे ही मेहंदी शुरू हो जाएगी तो मैं फिर जाऊँगा मेहंदी देखने। तो गाइस फाइनली मेहंदी लगना शुरू हो गई है और मैं आपको दिखाता हूँ अब मेहंदी कैसे लग रही है। मैं और हर्षु क्या कर रहे हैं? मैं और हर्षु सेक रहे हैं आग। मैं और हर्षु ने फ्रेंड दिया। अच्छा, हर्षु को मिल गई अपनी फ्रेंड, बोलती मैं नहीं मेरी फ्रेंड भी है साथ में। और ये जली हुई है आग और अभी हम बैठे हैं बाहर और बहुत मजा आ रहा है आग सेकने के लिए। बाकी अंदर चल रही है मेहंदी, मैं अंदर
हाँ बेटा जाओ, गिरना नहीं बता। सुबह ही मैं नाचने जा रही, मैं तू नाच। मैंने जलाई इधर आग में बैठा हूँ आग के पास, क्योंकि सर्दी काफ़ी हो गई है। रजनी वो बैठे अंदर, क्योंकि अंदर चल रहा है प्रोग्राम, मेहंदी का प्रोग्राम चला हुआ है अंदर। मैंने बोला यार तू देख ले, मेरा काम नहीं है, मैं बैठा हूँ बाहर। तो बच्चे नाच रहे हैं इधर। रजनी लगा रही मेहंदी, फाइनली हम मैं पहुंच गए हम रूम में। हमको इधर साथ में रूम मिल गया, अब हम सोएंगे यहाँ पर। बच्चे गए वॉशरूम, जैसे वो आते हैं वहाँ से तो फिर करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि सुबह उठना है जल्दी, क्योंकि सुबह प्रोग्राम इनका रहेगा। शांत तेलाई लगाते हैं ना जो, वो है। उसके बाद है बारात, और तानिश और हर्षु भी आ गई है वॉशरूम से। ओके हर्षु आओ बेटा, हर्षु आप वॉशरूम से होके आए? अच्छा अच्छा, रजनी हो क्या है आप? बाथरूम गए थे आप? नहीं मैंने नहीं जाना अब, आओ अच्छा आ जाओ बेटा पीछे आओ। अब करेंगे सोने की तैयारी, और ये बैठी यार तो उधर थाने सोएगा, और ये हमारा रही बिस्तरा। अब करेंगे सोने की तैयारी, और सुबह मिलते हैं आपको।